प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सैस 88 उतरे बहु जल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सैस 88 उतरे बहु जल पारा कटहे यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरों चरण पर शीशे
गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम, कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो, कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं, तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव बिरंच मुनि नारद तिनके हृदय न सम। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए, पुण्य भाग हैं उन पुण्य प्राणियों के जिनको मानव शरीर प्राप्त है, उससे भी अधिक पुण्य उन पुण्यात्माओं के हैं जिनको सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा को कैसे पाया जाता है, परमात्मा के पाने के लिए प्रत्येक मानव प्रयत्नशील है, वह परमात्मा कैसा है, उसके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, परमात्मा के अंदर ऐसी क्या विशेषता है, क्या खासियत है जिसको खोजने के लिए हमने बहुत सारे तरीके भी अपनाए हैं। अधिकतर व्यक्ति तो सांसारिक सुविधाओं को बटोरने में ही सारा जीवन लगे रहते हैं, उन्हीं को उत्तम मानकर चिपके हैं, और कुछ एक पुण्यात्माओं ने राज तक को त्याग दिया, राजा को सर्व भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और उसने वो सब त्याग दी और फिर परमात्मा के पाने के लिए कठिन प्रयत्न किए, परिश्रम किए, साधनाएं की, रूखा सूखा भोजन खा करके परमात्मा के पाने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। एक समय एक सिमली नाम की लड़की थी और वो किसी गुरु से उपदेशी थी, आस्था भगवान में गणी थी,
और प्रारंभ से ही ये ऐसा रहा है कि जगत और भगत का आपस में मतभेद बना रहा, और जिस कारण से भक्तों को बहुत कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ी। संसार की रीतियां, संसारिक जो परंपराएं हैं, वो यहाँ इस काल के जाल में रहने के लिए व्यवस्थित है, एक व्यवस्था है। और जो लोग परमात्मा से परिचित नहीं है, वो इसी में, इन्हीं में व्यवस्थित है। उस लड़की की बहुत आस्था थी, नगर के बाहर एक साधु का आश्रम था। वो लड़की उस महात्मा को आहार करा के आती थी, उनकी सेवा भी करती थी, और शाम के समय अपने घर आ जाती थी। कुल के लोगों ने, परिजनों ने बहुत कुछ प्रतिबंध लगाए, लेकिन लड़की नहीं मानी। उस सिमली का एक भाई था, मंसूर नाम था उसका। उसको अन्य व्यक्तियों ने कहा कि आपकी बहन शाम के समय और गैर टाइम को वक्त जाती है संत के आश्रम में। देख ले भाई, इज्जत का सवाल है, और पूरे नगर में चर्चा चलती है अपनी बहन को मनाकर। अब मंसूर ने सोचा भी पहले ये देख तो लूं, वास्तव में वहां उस आश्रम में ऐसा क्या है। इस दृष्टिकोण से जब उसकी बहन शाम के समय प्रतिदिन जाती थी साधु का भोजन लेकर, जिस दिन घरवाले भोजन नहीं देते थे तो वैसे जाती थी, उनकी सेवा कराती थी, कोई कपड़े धोवाती थी, कुछ देर उनकी चरण दबा देती थी। अब मंसूर ने, भाई ने सोचा कि सीधा संत से बोलना अच्छा नहीं होता, साधु संत बड़े सहनशील होते हैं और सिद्धि युक्त होते हैं, अपराध के विषय में कुछ ऊट पटांग कहना हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया कि आश्रम के बाहर खड़ा हो गया, और जैसी भी कच्ची पक्की कोई द्वार थी, उसके अंदर कोई सुराख था, उस सुराख से वो देखने लगा। छोटा सा आश्रम था, कोई 100 गज का होगा, गणित करना 150 गज का, और उसमें एक झोंपड़ी डली हुई थी। संत जी बाहर बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, चंद्रमा की रोशनी थी। उसने देखा कि लड़की ने जाके भोजन कराया महात्मा को, फिर बर्तन साफ किए, एक दो कपड़ा धोआ, फिर महाराज जी के चरणों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। तो क्या हुआ कि ऐसे उस महात्मा ने हाथ किया, आकाश से एक अमृत का प्याला आया, संत ने पिया, आधा उस बेटी को दिया। संत ने कहा कि बेटी, इसमें से थोड़ा सा एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके बीमार देख छींट, इस सुराख के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा, एक नालायक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, सुराख में ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है, कैसे है, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा अमृत की छींट लगी, एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं नीच हूँ, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज, मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा,
जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है, तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफ़ी देर सत्संग सुनाया, प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक, उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपुण आत्माओं, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं, उनको ही इतना शीघ्र इन बातों का असर होता है संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ गई, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है, एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वह ज्योत जग जाती है। अब वह ज्योत तो जगगी, जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है यानी पुण्य है, तो वो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा, और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। तो पुण्यात्मा उस अनल हक मंत्र के, गुरुजी ने दे दिया जो मंत्र देना था उसको। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अनल हक। हालांकि ये कोई मंत्र वंत्र नहीं था, लेकिन उस मंसूर के अंदर वो पूर्व जन्म का घी और ज्योति रह रही थी, वह जगगी। अब उस मंत्र से भविष्य में तो कोई लाभ उसको होना नहीं था, क्योंकि वो चार्जर ठीक नहीं था, पूर्व जन्म की बैटरी से उसमें इतना प्रभाव था, इतने पुण्यों से, कि उसने अनल हक कहना शुरू कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ। अब बोली आत्माओं, पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है, वो तो दृढ़ होते हैं। गुरु जी ने दो दूना छः कह दिया तो वो तो छः ही बोलते रहेंगे। घरवाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता नहीं मेरे गुरु जी ने ऐसे ही बोला। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते हैं। इस बात का ज्ञान पूरे मुसलमान धर्म में हुआ, क्योंकि वो मुसलमान धर्म से संबंधित था, और मुसलमान धर्म ये मानता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे तो जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है, जीव तो ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म मीन भगवान, जो जीव का भी उत्पत्ति करता है। लेकिन मुसलमान धर्म ये मानते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा नहीं आ सकता, वह तो सातवें आसमान में रहता है, सातवें स्वर्ग में। और कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर परमात्मा है, वो दंड का अधिकारी है, वो भ्रमित कर रहा है, मुसलमान धर्म के विधान को बिगाड़ रहा है। इस कारण से मंसूर को बहुत बार समझाया, राजा तक बात गई, बहुत कुछ कहा, लेकिन नहीं माना, अनल हक करता रहा। उसको कहा कि तू ऐसा मत बोल। अब साधु को तो कोई बोल नहीं सके था कि वो क्या मंत्र दे रहा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जब बात आ जाती है तो वो अपना पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं।
अब क्या हुआ कि वो नहीं माना तो उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया, बांध दिया उसको चौराहे पर, और फिर क्या कहा कि या तो तू अनलग कहना छोड़ दे नहीं तो तेरे पत्थर मारेंगे। उसने फिर कहा अनलहक, क्योंकि वो तो मदमस्त हो गया था, अलमस्त हो गया था। ऐसी स्थिति पूर्वजनों के पुण्यों से होती है और भविष्य की भक्ति नहीं होती है तो वो नष्ट हो जाता है उस जीवन ऐसी पुण्यात्मा का। तो उसको सजा दी गई कि पूरे नगर के व्यक्ति इसको पत्थर मार मार के इसको इसका वध करेंगे, ऐसी सजा दें ताकि और भी कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो सभी लाइन में आ रहे थे और पत्थर मार रहे थे, तू पापी है, पत्थर मार रहे थे, निकल जाते थे। अब उसकी बहन सिमली का भी नंबर आ गया, जब और पत्थर लगा रहे थे वो हंस रहा था, अनलहक अनलहक हंस रहा था, और जब उसकी बहन सिमली का नंबर आया वो भी लाइन में खड़ी थी। तो बहन ने सोचा पत्थर तो मैं नहीं मारूंगी, लेकिन लोक लाज में आके उसने फूल उठा लिया कि मैं फूल मार आऊंगी उसके, यहाँ ये लोग भी ना मेरा विरोध करेंगे और भाई का चोट भी ना लगेगी। उसने फूल मारा, फूल मारते ही वो रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोने लग गया। तब सिमली ने कहा कि भाई लोग तेरे पत्थर मार रहे थे, उनके पत्थरों से नहीं रो रहा था और तू मेरे फूल ते रोने लग गया, अरे ये कोई चोट थोड़ी लगी तुझे। उसने कहा सिमली ये तो अनजान थे, इनका मुझे दुख नहीं था, तू तो परिचित थी मैं किसके ऊपर फिदा हो रहा हूँ, और तेरा हाथ कैसे हो गया नालायक मेरी तरफ, तेने भगवान की तरफ हाथ कर दिया, मैं भगवान के लिए ड्यूटेड हूँ और तेने के समझा फिर ज्ञान को, न्यूरो रहा हूँ, तेरा जीवन बर्बाद हो गया, तेने ज्ञान समझा नहीं बहन, तेरे फूल का मुझे इसलिए दर्द हुआ, तू तो परिचित थी इस बात में। उसके बाद नहीं मरा वो पत्थरों से, कहने लगे या तो कहना छोड़ दे अनलहक नहीं तेरा हाथ काटेंगे। उसने कहा अनलहक, हाथ काट दिया, फिर कहा दूसरा हाथ काटेंगे या बंद कर दे अनलहक, तेरी गर्दन काटेंगे बंद कर दे अनलहक, काट दिया। अब उसको गाड़ा नहीं, मुसलमान धर्म में नीचे दफनाते हैं जमीन में, उसको सवा कर दिया काफिर समझ कर कि काफिर जलाए जाते हैं, उनकी सोच है, और उस राख को जल में फेंक दिया कि इसका नामो निशान मिट जाए दरिया में। कहते हैं वो राख भी ऐस भी वो बबूत भी अनलहक 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 करती जा रही है, और 1000 मंसूर बनकर गलियों में घूम रहे हैं, सब ने दरवाजे बंद कर लिए, टट्टी पेशाब निकल गया, लोगों का घबरा गया, ये क्या हो गया, भगवान का भगत था ऐसा हो कर दिया इसके साथ। तो पुण्यात्माओं अब ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसको बहुत गहराई से समझना है, इससे कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब प्रसंग तो चला है कि जिस परमात्मा के पाने के लिए और जिस लोक में जाने के लिए महापुरुषों ने ऐसी कुर्बानियां दी, तो कैसा है वो भगवान, कैसा होगा वो देश, ये अंडरस्टूड है। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि कोई ये सोचे कि अनलहक मंत्र से उसमें या शक्ति आ गई थी, नहीं, उस अनलहक मंत्र के जाप करने वाला पूरा गांव था, नगर था, आसपास के और भी बहुत लोग थे जो वैसे उपदेशी थे, आसपास के बहुत से उनके शिष्य थे, लेकिन वो गुप्त रखते थे, सामने किसी को बताते नहीं थे लोकलाज के कारण। तो कहने का भाव ये है कि उस एक मंसूर के अंदर ये क्यों काम कर गया और सिमली में नहीं करा उसने, ये पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद
ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, उस मंत्र का इसमें कोई योगदान नहीं था। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जिस परमात्मा के लिए इतनी कुछ कुर्बानियां संत महात्माओं ने की तो वो कैसा है भगवान, ये तो अंडरस्टूड है कि वो कितना सुखदाई होगा और वहां जाने के बाद प्राणी को कैसा सुख होगा। उसके लिए हम फिर कौन सी विधि अपनावें, कौन से ग्रंथ को सत्य माने, किस गुरु की बात पर विश्वास करें। कोई कुछ विधि बताता है, कोई कुछ विधि बताता है, और सभी कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उसके लिए हमने ये जानने के लिए कि कौन सा मंत्र, कौन सी विधि है, वे ऑफ वर्शिप जो यथार्थ है। अब जो भी संत कोई मंत्र देता है तो उसके उपासक उसको यही मान लेते हैं कि यही सही है। दूसरा बताता है नहीं, ये मंत्र ठीक नहीं, ये विधि ठीक नहीं। तीसरा कहता नहीं, ये हमारे गुरुजी ने ऐसे बताया है, ये सही है। इसका निर्णय कैसे हो? जैसे किसी अपराध के ऊपर कुछ अधिवक्ता एडवोकेट आपस में डिस्कस करते हैं, एक कहता है इस अपराध के ऊपर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता नहीं इसकी ये धारा बनती है, इसका ऑफेंस इस धारा के अंतर्गत है, तीसरा कहता नहीं इसके ऊपर ये अन्य धारा लगेगी। तो उन तीनों का फैसला कहाँ होगा कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये ऑफेंस है? वो संविधान के अंदर देखा जाएगा और संविधान के अंदर जो लिखा है वो फाइनल है, वो धारा उसी के अंतर्गत वो ऑफेंस है तो उसके ऊपर वही धारा होगी और उसी के आधार पर उस पर कार्रवाई कोर्ट में होगी, वो सही है। ठीक इसी प्रकार हमारे पवित्र जो शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, ये सभी शास्त्र हैं, जैसे पवित्र पांचों वेद, चार वेद तो ये वेल नोन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक पांचवा वेद है, वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा अपने मुख कमल से बोला जाता है। प्रत्येक युग में परमात्मा अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से यानी सतलोक से चलकर आते हैं और अपने मुख कमल से उस यथार्थ ज्ञान पांचवें वेद को बोलते हैं। वो लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो पांचवा वेद होता है, वो कबीर वाणी है, वो परमेश्वर के मुख कमल से निकली सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो विधि साधनाएं आपने गीता अध्याय नंबर 25 के श्लोक 31 तक सुनी, कोई कैसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई कठिन घोर तप करता है, कोई अहिंसावादी है जैसे मुख पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, कोई केवल योग अभ्यास हठ योग करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाएं करता रहता है, कोई श्वासों को बाहर निकलते अंदर जाते देखता रहता है, इस प्रकार से सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाश करने वाली जानते हैं, मोक्षदायक मानते हैं। यदि वो इनको गलत मान ले तो इनको छोड़ दे, क्योंकि भिन्न भिन्न साधनाएं और सभी कर रहे हैं, पाना एक परमात्मा को तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस परमात्मा के पाने की एक ही विधि है जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो उसके बाद बताया है कि ये सभी इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ
ये चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है कि इस प्रकार के धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। और उसको जानने के उपरांत फिर तू सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो यथार्थ ज्ञान उस परमात्म तत्व का 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है उसकी जानकारी कहते उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेंगे, गीता ज्ञानदाता नहीं जानता। तो वहां क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी वो सूक्ष्म वेद है। यहां गीतानुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे एक शब्द है इसके अंदर मूल पाठ में, उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, वेद ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है, जिनको तुम वेद मानते हो चारों वेदों का एक सारांश है ये श्रीमद् भगवद गीता, कोड वर्डों में है, अधिकतर संक्षेप में है, तो वो तो बोल ही रहा है, वो खुद कह रहा है कि पांचवा जो वेद है उसके अंदर वो लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और फिर जैसा वो बताएं ऐसे कर। तो पुण्यात्मा हमारे सदग्रंथ कौन से हैं जो परमात्मा का विधान है और जिन पर हम विश्वास करेंगे और करना चाहिए। हमारे सदग्रंथ यानी शास्त्र कहो सदशास्त्र कहो ये कौन कौन से हैं? पवित्र पांचों वेद, चार वेद तो अंडरस्टूड है, पांचवा ही आपको बता दिया सूक्ष्म वेद, और श्रीमद् भगवत गीता इन चार वेदों का सारांश है और पांचवें का इसमें हिंट दिया है। ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा दत्त, प्रभु दत्त है ये, ब्रह्म दत्त है ये, और फिर 18 पुराण ये अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए सहयोगी हैं। और इनके अंदर जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है यदि वो वेदों से मिलती है, श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है, तो वो तो सही है, उतना तो वेदों और गीता वाला ही ज्ञान है, बाकी उस वेद उस पुराण के वक्ता के घर का है, उसका अपना अनुभव है। अब उसका अनुभव वेदों और गीता से नहीं मिलता तो हमें मान्य नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पुराण कौन है, पुराण क्या है, ये श्री ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञान है, ये चार वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, ये चार वेद ब्रह्म ने अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी को दिए थे, और ये पांच वेद ये सूक्ष्म वेद सहित ये पांचों वेद पूर्ण परमात्मा ने सत्य पुरुष ने परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर ज्योति निरंजन के अंदर फीड कर दिए थे और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था कि इतने समय के उपरांत ये सब तय इसकी श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे कोई मादा है गाय भैंस है वो नए दूध होती है
गर्भ धारण करती है, समय आने पर बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने हमारे लिए की थी कि ये बच्चे भगवान को भूल ना जावें, परमात्मा की भक्ति करेंगे इन वेदों अनुसार तो इनको बहुत लाभ होगा, इन पर आपत्तियां नहीं आएंगी, कष्ट नहीं आएंगे, ये गलती से काल के साथ चले गए हैं। वो पांचों वेद जब इसके श्वासों के द्वारा, ब्रह्म के श्वासों के द्वारा निकले तो इसने उनमें देखा कैसा ज्ञान है भगवान ने दिया है। तो उसने वेदों को पढ़ा तो पांचवा वेद था उसमें सारांश था, चारों वेदों का निष्कर्ष था और पूर्ण परमात्मा की जानकारी और उसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि भी लिखी थी। वो घबरा गया कि इन पुराणियों को जो मेरे अंतर्गत आगे हैं, इनको यदि पूर्ण परमात्मा का और वहाँ के सुख का ज्ञान हो गया तो ये सब भाग जाएंगी ऐसी साधना करके। इसलिए इसने उस पांचवें वेद को नष्ट कर दिया, चार वेद दे दिए जिनमें गोलमोल ज्ञान है। गोलमोल का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, कि इसमें महिमा तो है परम अक्षर ब्रह्म की और केवल पूजा की विधि है ब्रह्म तक की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्बे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर ओम नाम का स्मरण करो। ये ओम नाम ब्रह्म का और महिमा इसमें बता रखी है, परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, उसके ऐसे चिन्ह हैं, वो ऐसी लीला करता है। अपने आत्मा दास के सत्संग में मुख्य तौर पर तीन ब्रह्म होते हैं, तीन ब्रह्म यानी तीन प्रभु, तीन पुरुष, एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। दूसरे शब्दों में एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तीसरे शब्दों में ईश्वर परमेश्वर, ये तीन मुख्य प्रभु हैं। मुख्य तो वैसे एक है लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो विशेष ज्ञान दिया है इन तीनों के विषय में। और इसके पश्चात तीन प्रभु और माने हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी, और आदि शक्ति प्रकृति देवी ये दुर्गा है। इनके बाद फिर बहुत से देवता हैं जो भगवान की भक्ति करके ही कुछ उन्होंने अपने टायर में हवा भर ली, यानी परमात्मा की कुछ भक्ति संग्रहित करके और वो कुछ सिद्धि युक्त हो करके अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बने दिखाई देते हैं, वो भी देवता हैं। यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमोगुण, ये अन्य देवताओं में हैं और ये हमारे इस तत्व ज्ञान के अंदर मुख्य तौर पर प्रभु नहीं गिने जाते। दूसरे शब्दों में दास कहे कि ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, स्वामी नहीं है, भगवान नहीं है। तो ये बात जनसाधारण के गले उतरे नहीं, विशेषकर पवित्र हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणियों के, क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं ने हमें उल्टा पाठ पढ़ा दिया और एक दिन से नहीं हजारों वर्षों से यही पाठ हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है,
तो जिस कारण से दास ने ये शब्द बोल दिया कि ये भगवान नहीं है, ये बात एक बहुत विवाद प्रस्त हो जाएगी यदि प्रमाण नहीं दिखाया गया तो। आपको प्रमाण दिखाते हैं। एक समय इस शिवपुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिवपुराण के अंदर, के श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजो में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव जो इनका पिता है, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहाँ खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लग गया, कहने लग गया कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास का है तो बिदक जा, इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, यह है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक। श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, इतने यहाँ से प्रकाशित है। हम इसके, ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग एक छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के इसे ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहाँ आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ, तेरा मालिक आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर से शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा, इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा, गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो।
तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए, देवताओं के काम है। दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम हो उनका बीच बचाड़ा करके छुटवा हुआ, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे, कहाँ मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। तो ये सारा एक काम बिगड़ा पड़ा पुणात्माओं इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए, अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे, और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नमर हुए, अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजो में लिंग बहुत लंबा चौड़ा जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला। और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया, कौन, इनका पिता, ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, हम जो आपको दिखाया था फिर देखिए, ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को, यहां देखें, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा। भगवान काल भगवान ने सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया, अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं, मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये काल बोल रहा है, अब यहां विचलित कर रहा है इनको, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि मेरा कर्त्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं,
हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, मैं इस सब का ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। 18वें पृष्ठ पर चलते हैं। इससे मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। अब यहाँ ये क्या कह रहा है श्री सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये सदाशिव यहाँ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले तो ब्रह्म रूप हुआ वो स्वतंभ, वो तो समझो मेरा निष्कल रूप है, निर्गुण रूप है मेरा, ये स्वतंभ आया पिलर, और ईव में निर्गुण से सगुण हो गया, तुम्हारे सामने आया। अब देखो हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं, हमने ये देखना है कि ब्रह्मा और विष्णु और ये शिव ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है, ये प्रसंग था। यदि ये दास वैसे सिंपल कहकर छोड़ देता तो बहुत विरोध मान लेते भक्तजन, क्योंकि उन्होंने कोरा अज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान नहीं सुना, सदग्रंथों का उनको ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को रूप रूप करना अनिवार्य हो गया है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 18 अध्याय 10 चल रहा है, प्रश्न नंबर 18 पे और शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 10वां अध्याय हम यहाँ पढ़ते पढ़ते आगे 9वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। जो हमने यहाँ पढ़ लिया, इससे मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रकट देने के लिए निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे इसके, इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 9वां अध्याय इति हो गया समाप्त हो गया। अब 10वां शुरू हो गया, ये 10वां, अब हम यहाँ 10वें में पढ़ रहे हैं नीचे। हे पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये चार, इनसे पांचवा है यू सदाशिव जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, और इनकी माता कौन है? वो दुर्गा है, वो भी दिखाएंगे आपको सदग्रंथ में, देवी पुराण के अंदर दिखाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ स्पष्ट हो गया कि ऊपर तो इन दोनों के विषय में बोला है, पुत्रों यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, इन दोनों का ये जॉब है, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। देखो हींग लगी ना फटकड़ी इसकी, तब तो कह रहा है कि तुमने तप किए, घोर तप किए। इसमें लिखा है कि विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक घोर तप किया, ब्रह्मा जी ने इतने वर्ष तक तप किया, तो कहता है इस तप के बदले में मैंने खुश होकर तुम्हें दिया है, बता इनकी भलाई इन्हीं को सौंप दी, अपनी तरफ से क्या दिया इसने, पहले इनसे डले डुआई हठ योग करो सिद्धि युक्त हो गए, अब फिर रिमोट अपने हाथ में लेकर इनको कहा तुम सृष्टि करो, सब जीवों को यहाँ पर स्थिति उत्पत्ति संहार ये अपने पुत्रों से करवाता है और स्वयं खाता है सबको, ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है मैं काल हूँ अर्जुन, और अब प्रकट हुआ हूँ, अब आया हूँ मैं, अब प्रवृद्ध हुआ हूँ। और श्री अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। अरे अर्जुन का साला था श्री कृष्ण और उससे अपरिचित हो गया इतनी जल्दी, क्योंकि वो श्री कृष्ण था ही नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश वो काल था, और जब बाहर निकल कर देखा तो उसका इतना रूप हो बाहर निकल गया उससे, जब विराट रूप दिखाया
श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण तो ओझल हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा था उनकी रोशनी के अंदर। और अर्जुन कह रहा, पूछ रहा, आप कौन हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो काल था, वो कहता है मैं काल हूँ और सबका नाश करने के लिए अब परिवर्त हुआ हूँ। तो ये इनका पिता है। और वो क्या कह रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु तुम्हें दो जो कृत जॉब दिए हैं तुम्हारे को, दो विभाग दे दिए, एक तो उत्पत्ति विभाग, रजोगुण विभाग से उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त कर दिया और विष्णु जी को सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया, अपना स्वरूप बना लिया। कहते सदाशिव कहता है जब ये खड़ा है कि मैं इन्हीं के रूप, ये मेरे ही स्वरूप में है, और ये कैसे छल करता है जब किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो उसमें अपना विष्णु रूप धारण कर लेता है और उसी विष्णु रूप में संबोधन करता है, तो उस कारण से विष्णु प्राण बन गई। और जिसमें इस शिव रूप में धारण करके किसी को ज्ञान दिया है तो उसके आधार से शिव प्राण की रचना होगी। ये है वो काल जो कहता मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में किसी के समक्ष नहीं होता, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। और साथ में कहा है कि जब धर्म की ग्लानी होती है मैं अपने अंश, अपने आत्मा, अपने अंश अवतारों का सृजन करता हूँ, उनको यहाँ प्रकट करता हूँ, भेजता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि। आप देखिएगा नीचे, अब ये दास दो सिद्ध करना चाहता है कि दो तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए, इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। दो ऐसे चार हो गए ना, एक रुद्र, एक महेश्वर, और पांचवा यू बोलने लग रहा। अब आगे हम चलते हैं, ये प्रमाणित करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर, ये प्रश्न नंबर 19 है। और ये भी द्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 चल रहा है, यहाँ से हम लेंगे। हे सौम्य, मेरे अज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल हो जाते हैं, इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, अभिमान दूर करने वाला यह अभिमान दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, यानी ब्रह्म का, और महामंगल करने वाला है, यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा आत्मा है कि उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुख से अकार का, इसका भी बहुत वर्ण दे रखा है, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, और मध्य के मुख से नाद, नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है, ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम इससे इतना ही लेंगे। इस पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। इसलिए दास कहता है कि तीन मुख्य रूप में, दास के प्रवचनों में ये ब्रह्म समझो, एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म।